नमस्कार, मैं सोनिया सैनी और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। खबरों से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कानपुर फजलगंज स्थित होटल द लेजेंड क्लब में बिगेस्ट ब्राइडल मेकअप कॉन्टेस्ट हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थौरी में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन। आगरा में लगा आखिरी सोमवार का मेला। रजा इंटर कॉलेज में साइबर क्राइम, महिला सशक्तिकरण और कैरियर काउंसलिंग की संगोष्ठी हुई। कानपुर में बारिश के बाद दिमागी बुखार से संक्रमित रोगियों की बढ़ोतरी। कानपुर फजलगंज स्थित होटल द लेजेंड क्लब में बिगेस्ट ब्राइडल मेकअप कॉन्टेस्ट हुआ। शो की ऑर्गेनाइजर रही अर्पिता ठाकुर। शो में मुख्य अतिथि के रूप में विजय सिंह मर्तोलिया को और ज्यूरी के लिए मुख्य रूप से बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट विभा वर्मा, द्वितीय ज्यूरी ओलाव्या, तृतीय ज्यूरी उर्मी को बुलाया गया। आए हुए सभी मेकअप आर्टिस्ट प्रतिभागियों में से मुख्य रूप से तीन विजेताओं का चयन किया गया, जिसमें से प्रथम विजेता हर्तिका रही। श्री मर्तोलिया ने प्रथम विजेता को 5100 रुपये, द्वितीय विजेता को 2100 तथा तृतीय विजेता को 1100 रुपये देकर सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। श्री मर्तोलिया ने शो में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के आगे और अच्छा करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थौरी में किया गया आरंभ। इस मेले में प्रिकॉशन डोज का कार्य, विधि शुगर की जांच व अन्य सुविधाएं दी गई। मेले का उद्घाटन भाजपा मंडल अध्यक्ष रानीगंज सजीत कोरी ने किया। आप वहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मेले में पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रश्मि सिंह, एएनएम रुचि सिंह, एएनएम सरिता चौरसिया, एचओ धर्मेश, फार्मेस्ट दिनेश, आंगनबाड़ी रीता, भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर शिवराम मौर्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आगरा में आखिरी सोमवार पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, एमएलसी विधायक विजय सिंह हरे, जिला उपाध्यक्ष आकाश ग्रोवर, हिंदू जागरण मंच डॉक्टर वीना लवानिया जी, महंत अजय राजौरिया जी, संत महाराज रवि बंसल जी, एडवोकेट अजय शर्मा, अशोक राजौरिया पुजारी जी, संत नारायण राजौरिया मनचंदा जी आदि मौजूद रहे। आज होगा भजन संध्या का कार्यक्रम। रजा इंटर कॉलेज में साइबर क्राइम, महिला सशक्तिकरण और करियर काउंसलिंग की संगोष्ठी की गई। सुल्तानपुर जिला रजा एजुकेशनल इंटर कॉलेज शिक्षा के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में अन्य शिक्षण संस्थानों से काफी आगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संस्थान में लगातार हो रहे समाज में साइबर क्राइम पर विस्तृत चर्चा हुई। इसकी सुनिश्चित जानकारी और साइबर क्राइम से बचने के उपाय के लिए थाना कुड़वार सीओ शिवम मिश्रा ने बताया साइबर क्राइम क्या है और इससे कैसे बचा जाए। संगोष्ठी में रजा इंटर कॉलेज के सीओ शिवम मिश्रा के अलावा अध्यापकों, प्राचार्य और कई मीडिया संस्थान के पत्रकार मौजूद रहे। कानपुर की में बारिश के बाद दिमागी बुखार से संक्रमित रोगियों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हैलट के अलावा निजी अस्पतालों में दिमागी बुखार के रोगी इलाज करा रहे हैं। रविवार को 2 रोगियों को गंभीर हालत में हैलट रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। आपको ज्ञात हो कि 1 सप्ताह से बाल रोग अस्पताल का ICU फुल है। अस्पताल में बेड क्षमता से अधिक रोगी भर्ती हो रहे हैं और हैलट में इस वक्त 80 से 100 रोगी प्रतिदिन भर्ती हो रहे हैं। भर्ती जिनमें दिमाग बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ कबीर न्यूज़ पर।